हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो कोरोना वायरस यानी कोविड 19 का जो इंजेक्शन आ रहा है, तो इसमें दो प्रकार का इंजेक्शन आ रहा है। तो मैं आपको बताता चलूँ ये दो प्रकार का इंजेक्शन आखिर है कैसा। तो एक आता है कोवैक्सीन नाम से। कोवैक्सीन ये होता है फ्रेंड्स कि उसको कोई भी लगवाता है तो उसका जो डेट होता है वो 28 दिन के बाद ही दूसरा डोज लगवा लेता है। तो कोवैक्सीन लगवाने से फ्रेंड्स ये होता है कि बाहरी अगर कोई अदर कंट्री में हमको जाना तो उससे नहीं जा सकते हैं। और एक आता है कोविशील्ड नाम से। तो ये होता है फ्रेंड्स, इसका डोज ये होता है कि हम आज लगवाएं फिर इसके बाद दूसरा डोज जो होता है 84 दिन के बाद लगता है। तो उसको आप लगवा के कहीं भी विदेश में जाना चाहें, अदर कंट्री में जाना चाहें तो आसानी से जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कोवैक्सीन का जो डोज होता है ये 28 दिन के बाद दूसरा डोज लगता है, और कोविशील्ड का जो डोज होता है ये 84 दिन के बाद लगता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो पे बने रहे, मैं चलता हूँ, मैं भी इंजेक्शन लगाने चलता हूँ कोविशील्ड। तो आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू बने रहे और मैं वहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरह वहाँ पे कोविशील्ड इंजेक्शन लगाया जा रहा है, जो कि सदर हॉस्पिटल नाम से माना जाता है, गोरखपुर में है, गोलघर में। तो मैं चलता हूँ वहाँ पे और आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू बने रहे, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह वहाँ पे लगाया जाता है, क्या ऑनलाइन कराना पड़ता है या नहीं ऑनलाइन कराना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, क्या करना है, आपको एक आधार कार्ड लेके जाना है और एक मोबाइल लेके जाना है। तो आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर से लिंक रहेगा उसी पे एक ओटीपी आता है, ओटीपी ना आएगा फिर उसके बाद वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होकर एक कार्ड देंगे वहाँ पे, वो कार्ड दे के फिर आप वहाँ पे कोविशील्ड आसानी से लगवा सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो पे कंटिन्यू बने रहे, मैं चलता हूँ वहाँ पे, आपको सब कुछ डिटेल वाइज दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।